नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्वराज के न्यू रिसेंटली लॉन्च मॉडल के बारे में, जो कि है दोस्तों स्वराज 744 FE और स्वराज 855 FE। तो इनके बारे में बात करने वाले हैं, पूरी डिटेल में इनके बारे में जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में कि आपको 2023 मॉडल जो कि कंपनी ने रिसेंटली न्यू मॉडल लॉन्च किया है उसमें क्या क्या फीचर ऐड किए हैं, इंजन में क्या क्या चेंजेस किए हैं, आपको पुराना मॉडल लेना चाहिए या फिर नया मॉडल लेना चाहिए, सारे डाउट इस वीडियो में आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से स्वराज 744 FE के बारे में जान लेते हैं कि इसमें आपको इसके इंजन में क्या क्या चेंजेस किए हैं कंपनी ने। तो इंजन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मॉडल को कंपनी ने पडलिंग स्पेशल डिज़ाइन के हिसाब से इस ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया है और अभी तक उन्हीं स्टेटों में इसको लॉन्च किया है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पडलिंग वगैरह होती है, या फिर आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और बंगाल में ज़्यादा ट्रैक्टर देखने को मिल रहे हैं न्यू मॉडल स्वराज के। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पे जो इंजन दिया है कंपनी ने वो दिया है दोस्तों 3307 सीसी का, और जो इसमें पहले इंजन आता था यानी कि पुराने मॉडल में जो इंजन आता था वो था दोस्तों 3136 सीसी का। तो यहाँ पे इंजन भी काफ़ी बड़ा अपग्रेड किया है इसमें, यानी कि 855 का इंजन इस बार डाल दिया है, क्योंकि जब इसको पडलिंग वगैरह में यूज़ करते थे तो वहाँ पर पावर काफ़ी ज़्यादा चाहती थी, इस वजह से इसके अंदर जो इंजन वगैरह है वो भी उसकी पावर बढ़ा दी गई, यानी सीसी अपग्रेड कर दी है ताकि आप रोटावेटर वगैरह का इसके पीछे चलाते हैं तो उसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो। और ये जो इंजन दिया है दोस्तों इस ट्रैक्टर में, ये पहले आपको स्वराज 855 FE में भी आपको देखने को मिलता था, जो कि है दोस्तों 3307 सीसी का इंजन। इंजन के साथ साथ इसके टॉर्क और RPM के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो RPM दिए गए हैं वो है दोस्तों 2000 इंजन रेटेड RPM, और जो इसकी टॉर्क दी है वो है दोस्तों 220 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो पुराना मॉडल आता था स्वराज 744 FE के नाम से उसमें आपको 48 HP यानी 48 HP का इंजन देखने को मिलता था, जो कि कंपनी ने अपग्रेड करके 50 HP के साथ में इसको लॉन्च किया है, जो कि आप देख सकते हैं इंजन की CC भी इस बार अपग्रेड की गई है। उसी के साथ साथ इसके माइलेज के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो कल्टीवेटर पर माइलेज निकाला है इस ट्रैक्टर ने वो दिया है दोस्तों 5.5 लीटर का, और वहीं पर ट्रॉली की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 3 लीटर का माइलेज मिलता है ऑन रोड। और वे सारे फीचर इसमें मिलने वाले हैं जो कि दोस्तों पुराने मॉडल में मिलते थे, जैसे कि IPTO क्लच, ड्यूअल क्लच, इजी हिच, ये कुछ एक्सटर्नल फीचर थे स्वराज कंपनी के जो कि इस ट्रैक्टर में भी आपको मिलने वाले हैं। और इस ट्रैक्टर में आपको PTO पावर भी ज़्यादा मिलने वाली है, यानी कि 42 HP की इस ट्रैक्टर में PTO देखने को मिलने वाली है। तो ये बात तो होगी दोस्तों इसके इंजन और उसके कुछ फीचर के बारे में, अभी बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी जो कुछ एडिशनल फीचर हैं उनके बारे में, जैसे कि इस ट्रैक्टर के साथ में आपको 6 साल की ब्रांड वारंटी देखने को मिलने वाली है, जो कि इससे पहले कंपनी काफ़ी कम देती थी लेकिन इस बार बढ़ा के 6 साल कर दी गई है। अभी इसके सर्विस इंटरवल की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 450 घंटे पे इसकी सर्विस करानी है इस बार, पहले काफ़ी कम इसके जो सर्विस इंटरवल आवर्स थे वो काफ़ी कम थे, लेकिन इस बार इसके बढ़ा के 450 घंटे कर दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, आपको बार बार सर्विस स्टेशन इसको लेके जाना नहीं पड़ेगा। तो अभी एक छोटा सा कंपैरिजन कर देता हूँ इसके इंजन का 855 FE के साथ में। तो यहाँ पे जो 855 इंजन मिलता है दोस्तों वो 3308 सीसी का मिलता है, जो कि 2000 इंजन रेटेड RPM पे वर्क करता है। वहीं इसके हॉर्स पावर की बात कर ली जाए तो इसमें आपको 55 HP निकालता है ये इंजन 2000 इंजन रेटेड RPM पे, और जो इसकी PTO पावर है वो भी आपको 42.9 की PTO देखने को मिलती है। तो इस छोटे से कंपैरिजन से ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वराज 744 और 855 में के इंजन में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। अभी इसके कुछ माइनस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसका फ्रंट एक्सल है दोस्तों, जो स्वराज 855 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको काफ़ी हैवी ड्यूटीज़ का जो फ्रंट एक्सल है वो देखने को मिलता था, जैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड की थी। तो सबसे पहली चीज़ तो यही थी दोस्तों, इसमें आपको ड्यूअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता था, जो कि इसमें आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो यही है दोस्तों, क्योंकि इसकी लॉन्ग लाइफ इतनी नहीं होती जितनी कि ड्यूअल एक्टिंग की होती है। इस पर जो सिंगल सिलेंडर मिलता है तो इसमें एक ही जो स्पेंडल होता है उस पर प्रेशर रहता है पूरे ट्रैक्टर के, मतलब जो फ्रंट टायर है दोनों का, लेकिन जो ड्यूअल एक्टिंग होता है उसमें आपको जो प्रेशर होता है यानी कि जो इसकी पावर होती है वो डिवाइड हो जाती है, तो इससे जो उसकी लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो फ्रंट एक्सल था दोस्तों स्वराज 800 FE का, उसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किए थे कंपनी ने ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए, लेकिन जो नए वाला मॉडल लॉन्च किया है इसमें उस एक्सल को नहीं डाला है। तो वही एक्सल काफ़ी ज़्यादा मतलब हैवी ड्यूटी भी था इस नए वाले एक्सल से। तो यही थी दोस्तों इसके कुछ माइनस पॉइंट। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और इस चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।